आज यौमे आलमी एड्स मनाया जा रहा है और इसमें हमारे डॉक्टर अब्दुल हक गिलानी मेडिकल कॉलेज करनूल की जानिब से तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा और तालिबात मिलकर इस रैली को जो है मुनक़िद किया गया है और ये रैली का मकसद है एड्स के मुताल्लुक मुहिम चलाना है और एड्स के मुताल्लुक जानकारी कराना है और एड्स क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और इसका वायरस जो हुआ करता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है और ये जो है मरीज से जो है दूसरे इंसान तक जो है लाख हो सकता है और ये मरीज के तमाम रुतुबात में फ्लूइड्स में जो है ये वायरस पाया जाता है जो खुसूसन जो है लोआब है और सेमेन वजेनल फ्लूइड्स और जो है ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इन तमाम से रुतुबा जो खारिज होते हैं इसमें जो है ये वायरस पाया जाता है और इसका अहम जो है मकसद मर्ज पैदा होने का मकसद जो है ये गलत जो है फाहिशा औरतों से जो है मिलाप की वजह से जो है इस तरह का मर्ज फैला करता है और ये मुहिम सबसे पहले जो है शुरू हुआ है अमेरिका में और 1980/8 में जो है इस मुहिम को जारी किया गया है और डॉक्टर बेन और डॉक्टर मैन ने और इस मुहिम को जारी किया है और इसका हम अहम यह है कि शऊर बेदारी करना है कि लोगों को जो है जानकारी की जाना है कि ये मर्ज से दूर रहने के लिए क्या तदारुक करने चाहिए और ये मर्ज जो है सिर्फ तदारुक के बगैर कोई शाफी इलाज नहीं हुआ इसके अंदर। तो लिहाजा ये मैं डॉक्टर मीर ज़ैनुल आबिदीन खान डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज NSS यूनिट की जानिब से